बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इंडिया चीन तनाज़े में पाकिस्तान को चीन का साथ देने पे भारत की जानिब से वाज़े पैगाम दे दिया गया है। BLA ने कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और ये सभी जानते हैं कि BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे भारत का ही हाथ है। इस वक्त चीन ने भारत की गर्दन मुकम्मल तौर पर दबोच रखी है। भारतीय मईशत चीन के नरगे में है, भारत चीन के आगे तो बेबस है, लेकिन पाकिस्तान जो कि चीन का अहम शराकतदार है उस पे हमला करके भारत ने चीन से बदला लेने की एक नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा पहले से लाहक था, एजेंसियों ने आगाह कर दिया था। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट आ चुकी है, हमला करने वाले दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड का पता भी लगा लिया गया है। इसी हवाले से आर्मी चीफ का बयान और चीन का रद्देअमल भी अब सामने आ चुका है। मजीद डिस्कस करने से पहले ट्रू इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, कलदम शिद्दत पसंद तंजीम BLA से मुंसलिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर दहशतगर्द हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी है और इनकी उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थी। दहशतगर्द बाकायदा तरबियत याफ्ता थे। हमले का मास्टरमाइंड कलदम तंजीम का कमांडर, जो कि इस वक्त अफगान शहर कंधार में मौजूद है, और हमले में राफ फंडिंग के वाज़े सबूत भी मिल चुके हैं। DG सिंध रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में भारतीय खुफिया एजेंसी रा मुलविस है। उन्होंने कहा कि हमें इदराक है कि मुल्क दुश्मन एजेंसियां कोशिशें कर रही हैं कि बच्चे कुचे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, मगर हम वाकिफ हैं कि कौन क्या कर रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी बयान सामने आ चुका है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम पुरअज़्म कौम की हिमायत के साथ इन तमाम कोशिशों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो हमारे अमन को तबाह करने के लिए की जा रही है। दूसरी जानिब मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने ये कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो रियासती दहशतगर्दी की गई, भारत लद्दाख में शर्मिंदगी से तवज्जो हटाने के लिए अब पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। चीन ने भी हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने और कौमी सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। नाज़रीन कराम, अब कराची हमले के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के 3 बड़े शहरों में सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। वीडियो के हवाले से जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा।